In the season 2014-15 when I was in under-19, मुझे एक कॉल आया था जोनल कैंप के लिए। वो टाइम पे मैंने प्रिपरेशन कर रहा था कैंप के लिए, तो दो दिन पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे इंजर्ड हो गया। मुझे तब नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा इंजरी हुआ है। मैं वहाँ कैंप चला गया, वहाँ पर जाके मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, हो नहीं पाया। एक्चुअली मेरे रिस्ट पे बहुत जोर का चोट लगा था। कैंप ज्वाइन किया बट वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो वहाँ पे वहाँ के जो फिजियोस थे वो बहुत कोशिश किए मुझे ठीक करने के लिए, बट नहीं हुआ। तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे वहाँ पे जाके मैंने एक्सरे करवाया। एक्सरे करने के बाद वो फ्रैक्चर निकला। हमारे जो लोकल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं हमारे जो बेस्ट सर्जन थे वहाँ के पास गया, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, फ्रैक्चर हुआ है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ, तो मैंने एक साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो वो टाइम वो एक मोमेंट था, मुझे लग रहा था, और वहाँ के जो भी डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे कि तुम अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता बिकॉज ऑफ दिस इंजुरी। बट वो सर्जरी के बाद मैं घर में था, और जैसे कि जोन कैंप में हम लोग को स्टफ्स मिलते थे, तो वहाँ पे स्पाइक्स भी प्रोवाइड करते थे वो लोग। वो टाइम मैंने जैसे ही कैंप ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे कुछ सामान नहीं मिले, और वो टाइम पे मेरे पास स्पाइक नहीं था। वो कैंप से एक स्पाइक ही आया था मेरे घर में, तो वहीं पे मुझे लगा कि नहीं, अरे मैं ठीक हूँगा, और देखो भगवान ने ये मुझे दिया है स्पाइक, मेरे को जो चाहिए था वो भगवान ने भेजा है, तो मुझे फिर से बैक करना है। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला था कि नहीं, ये आया मतलब मुझे बैक करना है, मैं खेलूँगा, बैक करूँगा।